हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हमारा रनिंग में है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्मेशन बुक की। उसकी एक्सरसाइज 15.9 का लेक्चर सेकंड हाल ही में हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 15th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेक्चर थर्ड, और यहाँ पे 16th क्वेश्चन में इसने बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट एंटरिंग द कॉलेज विल ग्रेजुएट इज 0.4। कोई एक बच्चा अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो जब वो कॉलेज से निकलता है तो ग्रेजुएट होके निकलता है, मतलब 3 साल उसने पढ़ाई कर ली है और वो ग्रेजुएट हो गया है, मतलब अच्छे से तीनों ईयर उसने पास कर ली है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों में से आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नन और सेकेंड में 1 विल ग्रेजुएट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 5 बच्चे सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक भी ग्रेजुएट ना हो, मतलब सारे फेलियर हो, ठीक है, और या फिर एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे कितने 5 बच्चे हैं ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5, और सक्सेस यहां पे किसको सक्सेस किसको लेट करें, स्टूडेंट विल ग्रेजुएट, इसको मैंने सक्सेस मान लिया, ठीक है, विल बी ग्रेजुएट। और उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पी कितनी दे रखी है आपको, 0.4, और क्यू कितनी आएगी, 1 में से माइनस कर लो, 0.6, ठीक है। तो यहां पे हमको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा इसने, जो 5 बच्चे थे उनमें से कोई भी बच्चा ग्रेजुएट ना हो, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, ठीक है, एक भी बच्चा ग्रेजुएट ना हो। तो क्या लिखें, 5 थे ना, तो 5c 5 में से एक भी नहीं, यानी 5c 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 राइज टू पावर r, यानी 0 प्लस प्लस कुछ नहीं, इनटू आएगा ना, इनटू क्यू, क्यू क्या यहां पे 0.6, 0.6 राइज टू पावर 5 माइनस 0 5, तो इसको सोल्व करो, ये 1 ये भी 1, यानी 0.6 राइज टू पावर 5 इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रखा है इसने, 1 विल ग्रेजुएट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, ये हमको फाइंड करना है, 5c 1, 0.4 राइज टू पावर r यानी 1, 0.6 राइज टू पावर 5 माइनस 1 4, 5c 1 क्या होता है, 5 होता है, और ये 0.4, और ये कितना आएगा, 0.6 राइज टू पावर 4, 5 इंटू 4 20, लेकिन डेसिमल है 2, मल्टीप्लाई 0.6 राइज टू पावर 4 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 उसको देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन हिट्स ए टारगेट इज 0.4। किसी प्लेन से बॉम्ब को गिराया जा रहा है ना, और वो अपने टारगेट को हिट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको 0.4 दे रखी है, ठीक है। टू बम्स कैन डिस्ट्रॉय ए ब्रिज, किसी एक ब्रिज को उड़ाना है, और ये कह रहा है कि उसको उड़ाने के लिए कम से कम 2 बम्ब सफिशियंट है, अगर वो टारगेट पे गिरते हैं तो, है ना, टारगेट हिट करते हैं तो उस केस में। इन ऑल 6 बम्स आर ड्रॉप्ड, टोटल 6 बम्ब गिराए, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6, यानी स्मॉल एन क्या है, 6 है यहाँ पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ब्रिज है उसको गिरा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सक्सेस में किसको लेट कर रहा हूं कि जो बम गिरा रहे हैं ना वो टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है, तो क्या लिखें, हिटिंग द टारगेट, बम हिटिंग द टारगेट, ओके। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, और ये जो सक्सेस है इसकी प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं, वो कितनी है, 0.4, ब्लर हो रहा है अब, ठीक है, और Q क्या आएगी, 1 में से माइनस कर लो, 0.6 आएगी, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 6 बम्ब गिराए, उनमें से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, और वो जो ब्रिज था वो डिस्ट्रॉयड कब होता है, जब कम से कम 2 बम्ब टारगेट को हिट करें, है ना। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कम से कम 2 बम्ब टारगेट को हिट करेंगे, है ना, 2 बम गिरेंगे तभी तो डिस्ट्रॉयड होगा वो पुलिया, वो जो ब्रिज है वो, ठीक है, तो 2 तो गिरने ही चाहिए, तो वो जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अगर 3 टारगेट पर गिर गए ना तो भी हो जाएगा, 4 गिर गए तो भी, 5 गिर गए तो भी, और 6 के 6 गिर गए तो भी वो जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे किसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी पड़ेगी, एट लीस्ट
कितने, कम से कम दो तो बम गिरने चाहिए ना, यानी टू सक्सेस, कम से कम दो सफलताएं मिलनी चाहिए। और सफलता किसको माना गया है कि वो जो बम है ना वो टारगेट को हिट करे, यानी दो तो करनी ही करनी चाहिए, है ना। तीन कर जाए तो भी गिर जाएगा वो ब्रिज, चार करे तो भी, पांच गिरे तो भी, छह गिरे तो भी, ठीक है, कम से कम दो तो गिरने चाहिए उस टारगेट पे। तो टारगेट पे दो गिरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कम से कम दो गिरे। तो इसको मतलब दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी और छह भी शामिल है, ठीक है। तो ये तो पांच केस हो गए, उससे बेटर रहेगा कि कौन सा केस नहीं आया, जीरो वाला नहीं आया और एक वाला नहीं आया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेंगे। तो वन में से माइनस कर लो किनको, जो छूट गए उनको, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल जीरो, मतलब एक भी बम टारगेट पे नहीं गिरा, ठीक है, या फिर एक बम गिर गया टारगेट पे तो ब्रिज नहीं टूटेगा, है ना। यानी इन दो के अलावा बाकी जो भी केस होंगे उन सभी से हमको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, मतलब वो जो ब्रिज था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब यहां पे सोल्व करना पड़ेगा इनको। वन माइनस जीरो वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6C0, सक्सेस 0.4 राइज टू पावर 0, फेलियर 0.6 राइज टू पावर 6 माइनस 0 यानी 6, प्लस 6C1 जो सक्सेस है वो क्या थी, 0.4 उसकी प्रोबेबिलिटी, तो मैंने लिखा 0.4 राइज टू पावर r यानी 1, और 0.6 राइज टू पावर 6 माइनस 1 5। अब इनको सोल्व करना है। वन माइनस ये वन, ये वन बचा क्या, 0.6 राइज टू पावर 6, और यहां पे 6 और 0.4 और क्या है, 0.6 राइज टू पावर 5, कॉमन क्या आ रहा है, 0.6 राइज टू पावर 5 दोनों टर्म में, 0.6 यानी 6/10 राइज टू पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 0.6 बचा, और यहां पे कितना आएगा, ये तो कॉमन आ गया, 6 चौके 24, 2.4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 2 3 2 5 राइज टू पावर 5, और अंदर क्या है, ये तो पूरा 3 बन गया, 1 माइनस ये हो गया 3 राइज टू पावर 6, और नीचे हो गया 5 राइज टू पावर 5 अपॉन 1, लेट कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 5 राइज टू पावर 5, ऊपर क्या आएगा, 5 राइज टू पावर 5 माइनस 6 राइज, सॉरी 3 राइज टू पावर 6, 5 राइज टू पावर 5, 5 राइज टू पावर 4 होती है 6 to 5, इंटू 5 करोगे तो 3 1 2 5 आएगा, माइनस 3 राइज टू पावर 4 81, और इंटू 9 कितना आएगा, 729, और नीचे 3 1 2 5, ठीक है। अब इनको माइनस कर लो, तो जब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करो माइनस 6 और यहाँ पे 9, और 30 माइनस 7 23, नीचे 3 1 2 5, ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.7667 के समथिंग, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहां तक अगर आपने सही कर दिया तो भी कोई गलत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसको, ठीक है। देखो 18th में क्या बोल रखा है इसने, ए स्टूडेंट इज गिवन ए ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन विद 8 क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और किस टाइप के थे, ट्रू फॉल्स, यस या नो वाले एक तरीके से ना। इफ ही गेट्स 6 और मोर करेक्ट आंसर्स ही पासेज द एग्जामिनेशन, यानी वो एग्जाम पास कब कर पाएगा, जब या तो वो कम से कम, मतलब कम से कम 6 क्वेश्चन सही करे, है ना, या तो 6 करे या 6 से ज्यादा करे, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। गिवन दैट ही गेसेस द आंसर टू ईच क्वेश्चंस, और ये इसने बोल दिया कि वो तुक्केबाजी से एग्जाम दे रहा है, ठीक है, उसको आता जाता कुछ नहीं है, बस तुक्का मार रहा है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट द पासेज द एग्जाम, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम पास कर पाए, है ना, और पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया था, कि कम से कम वो 6% तो सही करे, ठीक है, ओके। तो यहां पे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, उसको करने हैं, कितने क्वेश्चन करने थे, 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पे इसको मैं स्मॉल एन से डिनोट कर लूं, नंबर ऑफ ट्रायल 8, अगर वो 8 में से 6 या उससे ज्यादा सही करता है ना तो वो पास हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो सक्सेस में किसको लेट करूं, जो सक्सेस है एस, यहां पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले, है ना, तो उसका आंसर सही हो इसको मैं सक्सेस मान लेता हूं, आंसर इज करेक्ट, ठीक है,
तो इसको हम इसकी प्रोबेबिलिटी को स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं, तो स्मॉल पी की वैल्यू क्या आएगी? देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, मतलब या तो यस या नो, है ना, ये दो ही केस बन रहे हैं, तो हाफ हाफ हो जाएगी दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? कि वो पास हो जाए, है ना, और पास हो जाए मतलब उसके कम से कम 6 आंसर सही हो। ठीक है, तो क्या लिखे, एट लीस्ट 6 सक्सेस लिख सकता हूं ना, 6 सक्सेस मतलब 6 आंसर उसके करेक्ट होने चाहिए, SUCC। ओके, कम से कम 6 होने चाहिए, यानी 6 तो होनी चाहिए, 7 भी हो सकते हैं सही, 8 भी सही हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 6 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 8, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल 6 इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ठीक है, कि उसको 6 सफलताएं मिल रही है, कितने में से टोटल 8 है, 8C6। P और Q दोनों सेम है तो इनके एक्सपोनेंट तो वैसे ही 8 रहने वाली है, प्लस 8C7 1/2 raise to power 8 प्लस 8C8 1/2 raise to power 8। अब इनको सोल्व कर लो, 8C6 मतलब 8C2, ठीक है, 8C2 का मतलब क्या है, 7 into 2 14, और 1/2 तो सभी में कॉमन है, 1/2 raise to power 8। ठीक है, यहां पे क्या आएगा 8 और यहां पे क्या आएगा 1, और कॉमन क्या था, 1/2 raise to power 8। ऊपर कितना आया, 22 और 1 23, 23, और नीचे कितना आएगा, 2 raise to power 8, 2 raise to power 8 256। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉरी एक करेक्शन करना, यहाँ पे 8C6 28 आएगा। ठीक है, देखो कैसे आया मैं बता देता हूँ, 8C6 मतलब 8C2, 8C2 यानी 8/2 into 7, तो ये कैंसिल, 4 times 4 7 28, ठीक है, तो 28 करो आप इसको। ओके, कितना किया था मैंने, 14 किया था ना, 14 ऐड और कर लो, तो इसमें 14 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 और 1 3 37 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आपको करेक्शन करना है, 37/256 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 18th का ही सेकंड पार्ट, इन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स। ओके, ये कह रहा है आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, ये बोल रहा है कि अब की बार MCQs है ना, और वो 4 नहीं है, ए बी सी बस ये 3 है, और उन 3 में से कोई एक सही आंसर होगा। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने, 5 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 5। अब इन 5 में से हमको करना है क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 or more correct answers जस्ट बाय गैसिंग, वो गैस करके, अनुमान लगा करके, ठीक है, वो 4 या 4 से ज्यादा, मतलब या तो 4 या फिर 5, है ना, सभी क्वेश्चन 5 हो, वो सही आंसर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है, तो यहां पे सक्सेस में किसको लेट कर लूं, सक्सेस में लेट कर लेता हूं कि उसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये जो सक्सेस है इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, कितनी आएगी, देखो सही आंसर होए इसी को डिनोट कर रहे हैं ना सक्सेस, तो सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उनमें से एक ही तो ऑप्शन करेक्ट है उसका, 1/3। ठीक है, ए बी सी 3 ऑप्शन है यहाँ पे, अब इन 3 में से कोई एक सही है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इन 3 में से कोई भी एक सही हो, ठीक है, तो 1/3, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से माइनस कर लो, 2/3। ओके, अच्छा अब क्या करना है हमको, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि उसके 4 या फिर उससे ज्यादा, यानी एट लीस्ट 4 सक्सेस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एट लीस्ट 4 सक्सेस। ठीक है, कम से कम 4 सफलताएं उसको मिले, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 5, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 4, तो यहां पे टोटल ट्रायल्स कितनी है, 5 C4, 1/3 raise to power 4 एंड फेलियर 2/3 raise to power 1, 5C5 1/3 raise to power 5, और इसकी पावर 0 हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहां पे अब इनको सोल्व करो, ये कितना आएगा, 5
ऊपर टू और नीचे थ्री राइज टू पावर फोर प्लस वन फाइव, थ्री राइज टू पावर फाइव प्लस ये वन, वन अपॉन थ्री राइज टू पावर फाइव कॉमन आ रहा है, वन अपॉन थ्री राइज टू पावर फाइव, अंदर क्या बचा, फाइव टू जैट टेन प्लस वन, यानी टेन प्लस वन है ये, मतलब इलेवन और नीचे थ्री राइज टू पावर फाइव, ये क्या होता है, टू फोर्टी थ्री, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन ए 20 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन, सपोज ए स्टूडेंट होस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चंस। अच्छा, ये आंसर तभी देगा जब ये कॉइन को टॉस करेगा, ठीक है। अब कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आएगा, तो उसके बारे में आगे देखो क्या कह रखा है इसने। इफ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर ट्रू, अगर कॉइन को टॉस करने पर हेड आता है ना, तो वो आंख बंद करके ट्रू पे टिक करके आता है ना, क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कॉइन पर हेड आता है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स में से, ठीक है, ट्रू पे टिक करेगा, और अगर टेल आया तो वो फॉल्स पे टिक करके आता है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 12 एट लीस्ट, कम से कम 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे 20 में से, कम से कम 12 सही होने चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमको फाइंड करनी है। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, ओके। यहां पे सक्सेस किसको मान ले हम, दो टाइप के ही तो क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, है ना, सही या गलत, तो सही को मैं मान लेता हूं ना। सक्सेस किसको डिनोट कर रही है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इनकरेक्ट आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, इन्हीं में से एक करेक्ट एक फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि कम से कम उसके 12 आंसर सही हो, मतलब एट लीस्ट 12 सक्सेस, ठीक है, एट लीस्ट 12 सक्सेसेस, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, कम से कम 12 सफलताएं मिले उसको, है ना, 12 भी होनी चाहिए, 12 से ज्यादा भी हो सकती है, कहां तक, टोटल 20 थी, 20 तक, तो आपको ये सब फाइंड करना पड़ेगा। क्या, छोड़ दो इसको यहीं पे, चलो थोड़ा सा लिख लो, मतलब 20 सी, पहले मैं 12 लिख दूं प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में, x इक्वल 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 13 प्लस ऐसे कब तक, x इक्वल 20 तक, ठीक है। तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी हमको, तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 12, 20 सी 12, ठीक है, सक्सेस और फेलियर दोनों सेम है, तो 1/2 राइज टू पावर कितनी बननी है, टोटल n प्लस 20 सी 13, नेक्स्ट वाले में 13 के लिए वही n क्या है, यहां पे 20 है, 1/2 राइज टू पावर 20 हो जाएगी प्लस 20 सी 14, 1/2 राइज टू पावर 20 प्लस अप टू 20 सी 20 लास्ट 20 तक, ठीक है, और 1/2 राइज टू पावर 20, तो कॉमन यहां पे क्या आ रहा है, 1/2 राइज टू पावर 20, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 20 सी 12 प्लस 20 सी 13 प्लस 20 सी 14 प्लस अप टू प्लस 20 सी 20, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं वन आएगा, और इनको आप कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, या फिर यहीं पे छोड़ दे, इतना ज्यादा कौन बचेगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रखा है इसने, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज्ड 60 विल लिव टू बी 70 इज 0.5, कोई एक बंदा है जिसकी एज है 60 ईयर्स, ओके, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो 70 साल तक जिएगा, है ना, वो 0.5 है, ठीक है, 70 से पहले नहीं मरेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है, 70 के बाद मर सकता है या 70 क्रॉस कर, मतलब 70 तो पहुंच ही जाएगा, उसके बाद मरे या 70 पहुंचते ही मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 70 उसकी एज हो जाएगी, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 बंदों में से, और वो जो 10 है उनकी एज भी 60 है, ठीक है, एट लीस्ट 7 विल लिव टू बी 70, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 10 बंदे जिनकी सभी की एज 60 इयर्स है, उनमें से 7 बंदे 70 साल तक जिएंगे, ठीक है। तो यहां पे एन क्या,
कितने बंदों में से, 10 में से, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स एन होंगी। और सक्सेस किसको मान ले हम, सक्सेस मान लेते हैं कि वो जो बंदे ना, वो जो बंदा है वो 10-70 साल तक जिएगा, ठीक है। मैन विल लिव टू बी 70 ईयर्स, ठीक है। इसको मैंने सक्सेस लेट कर लिया, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, स्मॉल पी से हम जिसको डिनोट करें, तो वो तो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी 0.5 यानी 1/2। तो फेलियर की कितनी आएगी, वो भी 1/2, 1 में से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी वो कम से कम 7 बंदे 70 साल तक जिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 7 सक्सेस, ठीक है। इसी को हमने सक्सेस मान रखा है ना, कि वो 7 बंदे 70 साल तक जिए, ठीक है। एटलीस्ट 7 सक्सेस, यानी 7 बंदे तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो x इक्वल 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 10, ये हमको फाइंड करना है। तो x इक्वल 7 की प्रोबेबिलिटी निकालो, टेन सी 7, और p और q दोनों सेम है तो 1/2 की पावर n बननी है, और n क्या है यहाँ पे 10 है, प्लस टेन सी 8, 1/2 राइज टू पावर 10 प्लस टेन सी 9, 1/2 राइज टू पावर 10 प्लस टेन सी 10, 1/2 राइज टू पावर 10, 1/2 राइज टू पावर 10 सभी में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 राइज टू पावर 10, अंदर बचा टेन सी 7, टेन सी 7 मतलब टेन सी 3, टेन सी 3 क्या होता है 120, टेन सी 8 यानी टेन सी 2 और वो कितना होता है 45, टेन सी 9 यानी टेन सी 1 वो होता है 10 और ये 1। अब इनको ऐड करना है, ये तो आ गया 1/1024 और ये कितना आएगा 6, ठीक है। 2 और 4 6 और 1 7 और 1, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कट हो रहा है, 4 4 जा 4 4 जा 4 से कट करो, 4 2 जा 8 2, 4 5 जा 22, 4 6 जा अभी भी 4 से हो रहा है 11, 4 से करो तो 4 से करने पे क्या आएगा 4 6 जा और 4 4 जा 11/64 इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 21, इफ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइन्स इज बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01, ये कह रहा है कि 5 टेलीफोन लाइन है, उनमें से कोई भी, एनी कोई भी अगर लाइन बिजी रहती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी यानी पांचों लाइन बिजी होंगी, ठीक है। और दूसरे में बोल रखे इसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइंस आर बिजी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 से ज्यादा टेलीफोन लाइन बिजी रहेंगी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स दे रखे हैं इसी क्वेश्चन में, तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, 5, 5 टेलीफोन लाइन है ना, ठीक है। सक्सेस किसको मान ले हम कि वो बिजी चल रही है, ठीक है। टेलीफोन लाइन्स इज, टेलीफोन लाइन इज बिजी, टेलीफोन लाइन इज बिजी, ठीक है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कोई भी लाइन बिजी रहे उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01 यानी 1/100। तो इसके फेलियर की कितनी आएगी, 1 में से माइनस कर लो, 99/100, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है, सभी लाइनें बिजी हो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 5, ये आपको फाइंड करना है फर्स्ट में। तो क्या आएगी 5C5, सक्सेस 1/100 राइज टू पावर 5, फेलियर 99/100 राइज टू पावर 5 माइनस 5 0, ये 1, ये 1, बचा क्या 1/100 राइज टू पावर 5, ठीक है। पहले वाले में ये आ गया, दूसरे में क्या आएगा मोर देन 3, 3 से ज्यादा, 3 नहीं मोर देन 3, 3 से ज्यादा मतलब 4 या 5, ठीक है। इस केस के लिए 4 या 5, तो आपको क्या फाइंड करनी है मोर देन 3 सक्सेस, ठीक है। मोर देन 3 लाइंस आर बिजी, मोर देन 3 सक्सेस, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 5,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल फोर, इसका मीनिंग क्या है, टोटल कितनी थी फाइव, तो फाइव सी फोर सक्सेस 1/100 राइज टू पावर 4, फेलियर 99/100 राइज टू पावर 1, ठीक है, प्लस इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की अभी 1/100 राइज टू पावर 5, इसका आंसर क्या आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई नीचे तो 100 राइज टू पावर 5 बन जाएगा, 4 यहां से 1 यहां से, ठीक है, और ऊपर क्या 99 प्लस यहां पे क्या 1/100 राइज टू पावर 5, तो ऐसा करो डेनोमिनेटर वाली टर्म कॉमन ले लो, मतलब 1/100 राइज टू पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, बच्चा क्या यहां पे तो 1 और यहां पे 99 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 9 5 जब 45, 45 प्लस 4 49, 496 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 496/100 राइज टू पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 4 बच्चे हैं, ठीक है, देयर विल बी एट लीस्ट 1 बॉय, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, इस बात की इनकी हमको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज 1/2, लड़का हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, लड़की हो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो भी 1/2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, तो यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बच्चे हैं 4, है ना, ठीक है, और सक्सेस किसको लेट कर लें, न्यू बोर्न बेबी इज बॉय, इसको मैंने मान लिया सक्सेस, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सक्सेस की 1/2 दे रखा है ना इसने, ठीक है, और क्यू वो भी 1/2 आएगी, तो यहां पे फर्स्ट पार्ट एट लीस्ट 1 बॉय, है ना, कम से कम एक लड़का हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 बॉय यानी 1 सक्सेस क्या आएगी, कम से कम एक सक्सेस यानी एक तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा 4 सक्सेस हमको मिल सकती है, यानी एक लड़का तो होना ही चाहिए, दूसरा 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़के हो सकते हैं, या फिर 4 लड़के हो सकते हैं उन 4 बच्चों में से, ठीक है, तो आया कौन नहीं, x इक्वल 0 नहीं आया, मतलब कि एक भी बच्चा लड़का ना हो, यानी सभी लड़की हो, ठीक है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो क्या लिखे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, ये किसको डिनोट कर रही है कि एक भी सक्सेस नहीं मिले इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी जो 4 बच्चे वो 4 लड़की हो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तभी तो हम बोलेंगे कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक लड़का तो जरूर है, ठीक है, तो यहां पे अब क्या आएगी 1 माइनस 4c0 और सक्सेस और फेलियर दोनों सेम है, तो 1/2 राइज टू पावर 4 ही होनी है, 1 माइनस ये तो 1 हो गया, ये कितना आएगा 1/16, 16 माइनस 1 15 आउट ऑफ 16 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रखे इसने, एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक बच्चा लड़का और एक बच्ची लड़की होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, x किसको डिनोट, x इक्वल 1 मतलब जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो 1 सक्सेस किसको डिनोट कर रहा है बॉय को, यानी एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, ठीक है, तो अगर एक लड़का आए तो उसके साथ 4 बच्चे थे ना टोटल, तो 3 लड़की होनी चाहिए, यानी क्यू वाले केस को लेंगे, ठीक है, राइज टू पावर 3 करके, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू यानी 2 लड़के हो तो बाकी 2 लड़कियां होंगी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 3 यानी 3 लड़के हो तो जो चौथा बच्चा बच गया वो लड़की होंगी, तो x इक्वल 4 ले सकते हैं क्या, x इक्वल 4 इसके लिए तो ठीक है, एट लीस्ट 1 बॉय कि चारों बच्चे लड़के हों, इसको तो फॉलो कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा, अगर चारों बच्चे लड़की होगी लड़के हो गए तो ये जो कह रहा है कि एक बच्ची लड़की भी होनी चाहिए, एक बच्चा लड़की भी होनी चाहिए ना, तो ये केस हम नहीं ले पाएंगे, तो बस ये 3 केस आएंगे, अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या लिखें टोटल कितने केस थे 4, 4c1
सक्सेस और फेलियर दोनों की पावर कितनी सेम आएगी, अगर ये दोनों सेम है तो 4 ही आएगी सभी में। यहाँ पे 4c2 वन अपॉन टू राइज टू पावर 4, वन अपॉन 4c2 हो गया, 4c3 वन अपॉन टू राइज टू पावर 4, ठीक है। 1 अपॉन टू राइज टू पावर 4 यानी 1 अपॉन 16, ये कॉमन है सभी में, तो 4c1 यानी 4, 4c2, 4c2 का मतलब क्या है 4 अपॉन 2 इंटू 3 यानी 6, और ये वापस से 4 आएगा, कितना हो गया 14 अपॉन 16, 2 से सिंप्लीफाई 7 अपॉन 8 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम ए डिजीज इज 0.4, कोई एक डिजीज है और वो रिकवर कर पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ठीक है। इफ 10 पीपल हैव कॉट दिस डिजीज, यानी 10 बंदे इस रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 10 बंदे थे उनमें से फर्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली 3 पीपल रिकवर, 3 बंदे रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड में एटलीस्ट 7 रिकवर कर पाएंगे और थर्ड में 3 to 5, ठीक है, ये हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कितने पर्सन में से चेक करना है हमको, 10 में से ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है 10, एन इक्वल 10। बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस किसको माने कि जो पेशेंट है वो रिकवर कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम सक्सेस मान लेते हैं, पेशेंट रिकवर फ्रॉम डिजीज, ठीक है, कि वो उस रोग से उबर रहा है, मतलब उस रोग से उसको छुटकारा मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको देखिए 0.4, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखी है, यानी पी स्मॉल पी 0.4 है, तो स्मॉल क्यू क्या आएगा, 1 में से माइनस कर लो 0.6 आएगा, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 पीपल रिकवर्स यानी 3 सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। यानी टोटल कितने थे 10c3, ओके, चलो इसको मैं x फॉर्मेट में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3, ये हमको फाइंड करना है, यहां पे r क्या है 3 है, ठीक है, तो क्या लिखे 10c nc r, यहां पे 3 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.4, उसको मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 3 इंटू क्यू, 3 अपॉन 5 हो जाएगा राइज टू पावर कितनी 7, ओके, तो नीचे तो 5 की पावर 10 आ रही है, 1 अपॉन 5 राइज टू पावर 10, ऊपर क्या है 3 की पावर 7, 3 राइज टू पावर 7 और 2 क्यूब यानी 8, और इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 10c3 यानी 10 अपॉन 3, 9 अपॉन 2, 8 अपॉन 1, 1 पहले से था, 1 ये आ गया, ओके। अब इनको सोल्व कर लो, है ना, तो ये बड़ी पावर है, इनको तो एक्सपोनेंट फॉर्मेट में रख लो, 3 राइज टू पावर 7 और 5 राइज टू पावर 10 को, और अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना 64, पहले इसको कैंसिल करो 3 टाइम, ये कितना 64 है ना, 64 को 2 से डिवाइड करोगे 32, 32 3 जा 96, 96 इंटू 10 960, तो इसका आंसर क्या आया 960 मल्टीप्लाई 3 राइज टू पावर 7 अपॉन 5 राइज टू पावर 10। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सेकेंड में क्या बोल रखा है इसने, एट लीस्ट 7 पीपल रिकवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 7 सक्सेस, कम से कम 7 सफलताएं मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी 7 तो मिलनी चाहिए, एक्स इक्वल 7 तो है ही, उसके साथ 8 भी आए, 9 भी, और 10 के 10 बंदे रिकवर कर पाए, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे अब। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 7, ठीक है, तो एक्स इक्वल 7 के लिए 10c7 पी 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 7 क्यू 3 अपॉन 5 राइज टू पावर 3, माइनस करोगे तो 3, प्लस 8 के लिए 10c2, 10c8, 10c2 बनेगा, कोई बात नहीं, बाद में उसको सोल्व कर देंगे, 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 8, 3 अपॉन 5 राइज टू पावर 10 माइनस 8 2, प्लस 9 के लिए 10c9, 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 9, 3 अपॉन 5 राइज टू पावर 2,
अच्छा 10 वाला और बच गया, 10C10 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 10 और पीछे वाले की पावर 0 मतलब इनटू 1, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, 10C7 मतलब 10C3, 10C3 कितना आया था ये वाला, तो ये 8 कट गया, 4 4 3 जा 12 120, 10C7 क्या 120, 10C7 और 10C3 इक्वल होते हैं, NCR इक्वल NC n माइनस आर लिख सकते हैं ना, तो 10C 10 माइनस 7 3, तो 10C7 को 10C3 लिख सकते हैं, 10C3 ही होता है। यहां पे 5 की पावर तो 10, 2 की पावर 7, 3 की पावर 3 आ रही है, प्लस 10C8 मतलब 10C2 और 10C2 क्या 45, और ये 2 राइज टू पावर 8 हो गया, 3 राइज टू पावर 2 और नीचे 5 राइज टू पावर 10, 10C9 मतलब 10, 2 राइज टू पावर 9, 3 ये पावर 1 आएगी, 2 नहीं आएगी सॉरी 1 आएगी, प्लस करने पर 10 आना चाहिए ना, 10 माइनस 9 1 होगा, इंटू 3 और नीचे 5 राइज टू पावर 10, इसका सॉल्यूशन 1, ये 1 हो चुका, तो 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 10। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 की स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 7 है ना, तो 2 राइज टू पावर 7 मैंने कॉमन लिया और नीचे 5 राइज टू पावर 10 कॉमन ले लिया, अब जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा, अच्छा 3 की एक्सपोनेंट कोई बात नहीं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 क्यूब 27, ओके 27 120 प्लस 9 इंटू 45 इंटू 1 2 यहां पे बचेगा प्लस 3 2 की पावर 7 कॉमन आ गई, 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 10 प्लस 5 वाला तो कॉमन आ गया, 2 की पावर कितनी 3 बची यानी 8, 2 राइज टू पावर 7, 5 राइज टू पावर 10। अब इनको सोल्व करो तो कितना आएगा, 0 12 7 जा 84 और कैरी 8 24 32 प्लस ये हो गया 90 810, ये हो गया 12 120 और ये 8, 2 राइज टू पावर 7 अपॉन 5 राइज टू पावर 10 इंटू, अब इनको ऐड कर लो, 8 4 5 7 2 8 10 और 1 11 कैरी 1 3 और कैरी 1 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट और बच गया इसका, 3 to 5 पीपल रिकवर, 3 से 5 बंदे रिकवर कर पाएंगे, मतलब 3 भी 4 भी और 5 भी, ठीक है, इनके लिए प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी। तो क्या लिखें थर्ड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी 3 to 5 सक्सेस, ठीक है। देखो तो 3 भी आए 4 भी आए 5 भी आए, लिख लो इसको, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 3 लिख सकता हूं, 4 भी और 5 भी। अब इनको सोल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 3 यानी 10C3 वाला, तो 10C3 एक्स इक्वल 3 की तो हमने फाइंड कर ली ना, ये आई थी 960 वाला, 960 इंटू 3 राइज टू पावर 7 5 राइज टू पावर 10 प्लस एक्स इक्वल 4 के लिए, एक्स इक्वल 4 के लिए तो हमने फाइंड नहीं की, अब करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, टोटल कितने थे 10, 10C4 और सक्सेस क्या थी 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 4 और 3 अपॉन 5 राइज टू पावर 6 प्लस 10C5 2 अपॉन 5 राइज टू पावर 5 3 अपॉन 5 राइज टू पावर 5, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं, ये क्या है हमारे पास 960 और ये, ठीक है 10C4 देखो क्या आएगा, 10C4 10 अपॉन 4 9 अपॉन 3 8 अपॉन 2 7 है ना, 4 2 जा 8 कैंसिल 3 3 जा कितना है 210, ये है 210, क्या है 210, ओके। और 10C5 क्या आएगा इसको भी देख लो, 10 अपॉन 5 9 अपॉन 4 8 अपॉन 3 7 अपॉन 2 6 3 2 जा 6 और 5 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है, कितना आया 9 7 जा 63 इंटू 4, यही बचा ना,
इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 252, तो ये है मेरे पास 252। ठीक है, देखो तो 960 3 राइज टू पावर 7, 5 राइज टू पावर 10 प्लस 210, 3 राइज टू पावर 6, 2 राइज टू पावर 4, 2436 अपॉन 510 प्लस 252, 2 राइज टू पावर 5, 32 रहने दो, 2 राइज टू पावर 5 और अपॉन इनटू 3 राइज टू पावर 5 अपॉन 5 राइज टू पावर 10। ठीक है, अब इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपॉन वाला 5 राइज टू पावर 10 और 3 की पावर 5, 3 5 5 10। ठीक है, बच्चा क्या 960 इंटू 3 राइज टू पावर 2 प्लस 210 इंटू 2 राइज टू पावर 4 16 इंटू एक पावर बची 3 की, ठीक है, प्लस यहां पे क्या 252, 2 राइज टू पावर 5 32 और 3 तो है ही नहीं, कॉमन आ गया। अब इनको सोल्व करना है, 3 राइज टू पावर 5 अपॉन 5 राइज टू पावर 10, ये क्या नो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 86 हो गया कैरी ऐड करने के बाद, ये कितना 48, ज्यादा बड़ा पड़ेगा तो ये कितना 63 है ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई 630, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 16 से, करो यहां पे लिख देता हूं 0 16 3 जा 48 16 6 जा 96 100 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 2 जा 64 कैरी 6, ठीक है कैरी 6 ऐड करनी है और 32 5 जा कितना होता है 160 और 160 प्लस 6 166 कैरी 16, 32 2 जा 64 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80, अब इनको प्लस करो तो ये आएगा 4 6 8 14 6 10 18 हो गया कैरी 1 वन वन सिक्स सेवन ओके एट एट सिक्सटीन कैरी वन और वन टू, थ्री राइज टू पावर फाइव, फाइव राइज टू पावर टेन, उसके साथ ये आएगा। ठीक है, हो सकता है बुक से आंसर मैच ना हो, मेथड यही है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना अपनी तरफ से जैसा भी करो, ठीक है बिल्कुल ठीक करना आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए फुटबॉल मैच मे बी आइदर वन ड्रॉन एंड लॉस्ट बाय द होस्ट कंट्रीज टीम, होस्ट कंट्रीज टीम का मतलब क्या होता है, जैसे फुटबॉल टीम की बात हो रही है, अपने इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में जाएं है ना, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना उसको बोलेंगे होस्ट कंट्रीज टीम, होस्ट कंट्रीज टीम, ठीक है हिंदी में जिसको बोलते हैं मेजबान टीम है ना। आगे देखो, सो देयर आर थ्री वेज ऑफ फोरकास्टिंग द रिजल्ट ऑफ एनी वन मैच, वन करेक्ट एंड टू इनकरेक्ट, ये बोल रहा है कि किसी एक मैच के रिजल्ट के लिए भविष्यवाणी तीन तरीके से की जाती है ना, जो भविष्यवाणी की जाती है ना उसमें तीन भविष्यवाणी अगर की जाए तो उसमें एक तो बिल्कुल सही होती है और दो गलत होती है। ठीक है, उस मैच के रिजल्ट के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि ये मैच कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, इस बारे में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग एट लीस्ट थ्री करेक्ट रिजल्ट फॉर फोर मैच, ये कह रहा है कि चार मैच अगर खेले गए तो भविष्यवाणी कम से कम तीन बार सही रिजल्ट को बताए। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है चार मैच में से, तो एन तो हो गया फोर, नंबर ऑफ ट्रायल क्या बन गया फोर। एस सक्सेस किसको लेट करें कि जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना वो सही है, तो क्या लिखें ट्रू फोरकास्टिंग, लेकिन यहां पर करेक्ट है तो करेक्ट लिखना उचित रहेगा इस वाले क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे करेक्ट फोरकास्टिंग। ठीक है, अब ये जो सक्सेस है इसकी प्रोबेबिलिटी को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो वो आएगी क्या, वो तो इसने दे रखी है ना, क्या दे दिया, अगर तीन मैच तीन बार भविष्यवाणी की जाती है तो एक बार बिल्कुल सही होती है, तो सही होना इसी को तो हमने सक्सेस लेट कर रखा है करेक्ट वाले को, तो तीन में से एक बार सही है, वन बाई थ्री, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी टू बाई थ्री। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो क्या कह रहा है, हमको फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट थ्री सक्सेस, एट लीस्ट थ्री
सक्सेस, कम से कम तीन भविष्यवाणी सही हो, तीन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी, कम से कम तीन, यानी तीन तो सही होनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल थ्री, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा कितनी, चार तक ही हो सकती है क्योंकि मैच ही चार खेले गए हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, x इक्वल थ्री तो क्या लिखे, फोर सी आर, यहां पे थ्री है, सक्सेस क्या है, वन बाई थ्री राइज टू पावर थ्री इंटू फेलियर टू अपॉन थ्री राइज टू पावर फोर माइनस थ्री, वन प्लस प्लस फोर सी फोर, वन अपॉन थ्री राइज टू पावर फोर टू अपॉन थ्री राइज टू पावर जीरो। अब इनको सोल्व कर लो, फोर सी थ्री मतलब फोर, ये तो टू बाई थ्री और ये वन बाई थ्री, लेकिन थ्री की एक्सपोनेंट कितनी हो गई है, फोर हो गई है, फोर से फोर वन, ये भी वन, वन बाई थ्री राइज टू पावर फोर। अब इनको सोल्व करो, फोर टू जा एट प्लस वन, और नीचे थ्री राइज टू पावर फोर, ऊपर नाइन, नाइन अपॉन ये कितना 81, सिंप्लीफाई करो, वन अपॉन नाइन विल बी रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं 25th, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एज ए चांस ऑफ विनिंग ए सिंगल गेम अगेंस्ट बी इज टू बाई थ्री, ए और बी दो कोई बंदे हैं वो गेम खेल रहे हैं, और ये कह रहा है कि अगेंस्ट बी ए के जीतने के चांसेस कितनी है, टू बाई थ्री, यानी ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है टू बाई थ्री। ओके, और क्या कह रहा है, फाइंड द चांस दैट इन ए सीरीज ऑफ फाइव गेम्स, अगर वो पांच गेम खेलते हैं तो उस सीरीज में बी के साथ अगर वो खेलता है तो उस सीरीज में ए जीतता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करें, चांस एंड प्रोबेबिलिटी कि वो ए जो है वो तीन बार जीते, एट लीस्ट थ्री टाइम्स, थ्री गेम्स, ठीक है, विनिंग बाय ए, इनकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने गेम में से, पांच में से ना, ठीक है, सक्सेस हम किसको लेट कर ले कि जो ए है ना वो गेम जीतता है, ठीक है, तो ऐसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ए विंस द गेम। अब ये जो सक्सेस है इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी से डिनोट कर लिया मैंने, वो आएगी क्या, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, और वो आपको रखी है टू बाई थ्री, ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री, माइनस कर लो वन में से, ठीक है। हमको फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करवाया इसने, एग्जैक्टली थ्री सक्सेस, यानी ए जीते है ना कितनी बार, एग्जैक्टली थ्री गेम्स, तीन गेम जीते पांच में से, तो क्या लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट थ्री सक्सेस, और सक्सेस हमने किसको लेट किया है कि ए गेम को जीते, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हमको एटलीस्ट, नहीं यहां पे एग्जैक्टली है ना, ओ कोई बात नहीं, कट नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट को सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, कम से कम तीन सफलताएं मिले है ना, यानी तीन तो मिले ही, एक्स इक्वल थ्री, चार भी मिले एक्स इक्वल फोर, और पांचवी भी x इक्वल फाइव, पांचों गेम वो जीते, ठीक है। x इक्वल थ्री की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फाइव सी थ्री पी टू अपॉन थ्री राइज टू पावर थ्री इंटू क्यू वन बाई थ्री राइज टू पावर फाइव माइनस थ्री टू प्लस प्लस x इक्वल फोर के लिए निकालो, तो फाइव सी फोर टू अपॉन थ्री राइज टू पावर फोर वन अपॉन थ्री राइज टू पावर वन प्लस फाइव सी फाइव टू अपॉन थ्री राइज टू पावर फाइव, और वो तो वन बन जाएगा पावर जीरो होने की वजह से, आएगा क्या 5c3 यानी 5c2, 5c2 का मीनिंग क्या है 45 नहीं है 45, 5 अपॉन 5 इंटू टू 10 होता है, 5c2 मतलब 10, ठीक है, इंटू टू क्यूब 8, और नीचे 3 राइज टू पावर 5 243 प्लस 5c4 क्या 5 2 4 16, और ये 243 आएगा, यहां पे ये 1 और ये 32 और 243, ऐड करो इनको 80 80 160 और 32 192, नीचे 243, ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 6 18 3 4 12, 3 से करो 81, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमने तो सेकंड पार्ट किया है, अब फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट में क्या बोल रखा है इसने, एग्जैक्टली थ्री गेम्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल थ्री, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है, तो कितने में से, पांच में से ना, तो 5c3 और सक्सेस क्या है यहाँ पे 2 बाई थ्री राइज टू पावर 3 1 बाई थ्री राइज टू पावर 3 5 माइनस थ्री 2, इनको सोल्व करो 5c3 5c2 5c3 तो हमने फाइंड कर लिया ना, कितना आया था 80 बाई 243 80 बाई 243 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके,